गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लासेस वी आर डिस्कस्ड अबाउट हैबिटेट। पहले के क्लास में हमको हैबिटेट क्या होता है, आवास क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे। टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ हैबिटेट कि आवास कितने प्रकार के होते हैं। तो इट मींस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। वैसे जीव जो लैंड पर रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन देयर हैबिटेट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। इट कंसिस्ट फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, एटीसी। ये जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फॉरेस्ट होता है, यानी कि लैंड पर क्या क्या होता है, तो फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट होता है, ग्रासलैंड होता है। इसमें कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो लाइक काउ, हॉर्स, लायन, एलिफेंट। प्लांट में भी मैंगो प्लांट हो गया, सीसम हो गया, बट इसे ये सभी जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है। सेकंड, एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट में क्या होता है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर, जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और उनके हैबिटेट को एक्वाटिक हैबिटेट कहा जाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो पॉन्ड होता है, रिवर होता है, लेक होता है, ये सभी एक्वाटिक होते हैं। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं, लाइक फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, लोटस, लिली, वाटर हाइसेंथ, इट इज, ये सभी जो है पानी में रहते हैं, इसीलिए एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उसे एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और जो हैबिटेट होता है उसे एक्वाटिक हैबिटेट कहा जाता है। अगला है एरबोरियल हैबिटेट। इसमें क्या होता है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव ऑन ट्रीज, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रीज पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, उसे एरबोरियल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और उनके हैबिटेट को एरबोरियल कहा जाता है। इसके अंतर्गत ट्री कंटेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मंकी, स्क्वायरल, एटीसी, ओके, नो प्रॉब्लम। दैट मींस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट एंड एरबोरियल हैबिटेट।